भारत में तो कई तरह की कलाओं का संगम है। यहाँ नदियाँ मिलती हैं, आसमान छुआ जा सकता है, मौसम की करवट भारत की शान है। बरसात से लेकर गर्मियों की धूप और मस्त मौसम में मोर का नृत्य, अगर आप देखना चाहते हैं तो भारत और भारतीय कलाकार आपका स्वागत करते हैं। एक कहावत है कि इंसान का सपना जो होता है वो कभी ना कभी साकार होता है। 25 साल से वेट कर रहा था मैं काजल जी के साथ बजाने के लिए, आज सौभाग्य मिला और इतने बड़े फेस्टिवल में। काजल जी के साथ काफ़ी पुरानी दोस्ती है, अब 87 में हम लोग रशिया गए थे। मेरा सपना था काजल जी के साथ गाने का और आज मुझे वो मौका मिला है। बहुत अच्छी डांसर है काजल जी, बहुत मेहनत कर रही है। काजल जी पिछले 20 साल में आज मिल रहे हैं वसंत उत्सव के लिए। और काजल जी के साथ बजाने का जो मुझे सौभाग्य मिला 2007 में मिला, गुरुजनों से काफ़ी इनकी प्रशंसा हमने सुनी थी। काफ़ी साल के बाद में, मतलब 20 साल का 21 साल का बहुत लंबा गैप होता है, उसके बाद में आज उनके साथ में बजाऊंगा तो मुझे खुशी है, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा एक झिझक भी है, क्योंकि 20 साल के बाद में एक साथ स्टेज पे जाएंगे। मैं तो बचपन से ही काजल जी का बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा हूँ और हमने अपने बड़ों से उनके बारे में बहुत कुछ सुना कि बहुत अच्छी डांसर हैं, बहुत अच्छी एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छी हैं और बहुत ही गुणी हैं और कला और संस्कृति को संभाली हुई हैं, ऐसे ऐसे प्राचीन पुराणों को नृत्य करती हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम आशा करते हैं कि ऐसे लोगों से हमें बजाने का सौभाग्य मिलता रहे। ये कार्यक्रम सृजन कुछ ऐसे ही भारतीय कलाकारों से आपको रूबरू कराएगा। जहां बात होगी कला की, कलाकार की और उस प्रतिभा की जो कहीं भी रहे अपने कदरदान ढूंढ ही लेती है। सृजन अपने साथ ऐसे कलाकारों की एक कड़ी लेकर आया है जो भारतीय कलाओं जैसे नृत्य और संगीत को अपना जीवन मान चुके हैं। आज की इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे कथक नृत्यांगना काजल शर्मा जी से, जिनकी जिंदगी का दूसरा नाम कथक नृत्य है। अपने इस सफर में उन्होंने कैसे थामे रखा कथक का साथ, आइए इस अद्भुत सफर के बारे में उन्हीं से जानते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य, वादन और गायन, ये समस्त विधाएं हमारी समृद्ध संस्कृति की अमूल धरोहर हैं। संगीत की साधना एक तप है, योग है, तपस्या है, मेडिटेशन है, जीवन शैली है और व्यवसाय भी है। जितना गहनता से उसमें डूबकर उसकी प्राप्ति करता है कलाकार, उतना ही उसकी कला में चमक, निखार और परिपक्वता आती है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भावों की अभिव्यक्ति के बहुत सुंदर माध्यम हैं। कथक नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक प्रमुख नृत्य है और बहुत उसका स्थान अहम है। टेक्निक को हम जब साधते हैं तो उसमें रियाज इन्वॉल्व होता है, कितने घंटे हम मेहनत करते हैं, कितना इन्वॉल्वमेंट है उसका, मैथमेटिकल पार्ट है उसका, कैलकुलेशंस है, ये सारे सब्जेक्ट, सारी विधाएं जुड़ती जाती हैं। Yeah.
भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक श्लोक मुझे याद आता है, यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मना, यतो मना ततो भाव, यतो भाव ततो रसा। जहाँ पे दृष्टि है वहाँ पे चेहरा है, जहाँ चेहरा है वहाँ मन है, जहाँ मन है वहाँ भाव है, और जहाँ भाव है वहाँ रस, इमोशंस। तो भावों की अभिव्यक्ति के लिए उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कथक नृत्य की शिक्षा पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी से प्राप्त हुई, और ये भी सौभाग्य है कि हम उस समय में पैदा हुए, बड़े हुए और सीखा, जब हमने देखा कि कथक नृत्य शैली को पंडित बिरजू महाराज जी ने एक ऐसे स्थान पे पहुंचाया है जहां कोई उसके लिए सोच भी नहीं सकता था। मैंने पहली अपनी नृत्य की प्रस्तुति की थी जब मैं 3 वर्ष की थी। बचपन में फिल्मों का बहुत दौर था, उस समय बॉलीवुड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो हम लोग फिल्मी डांस बोलते थे, फिल्मी गानों पे डांस, जिसमें थोड़े से फोक सॉन्ग्स भी होते थे और थोड़े सेमी क्लासिकल होते थे। तो वहाँ से मैंने अपने नृत्य की शुरुआत की। मैं तब किसी से सीखती नहीं थी, अपने आप से जो भी कुछ मेरा इच्छा होती थी मैं करती थी, रिदम पे थिरकती थी, और यहाँ तक कि मुझे सुलाने के लिए मेरी माँ को ये मेक श्योर करना पड़ता था कि कहीं से संगीत की आवाज़ नहीं आए, किसी गाने की आवाज़ नहीं आए, नहीं तो मैं सोती नहीं थी, डांस करती रहती थी। सड़क पे भी अगर कहीं कोई बैंड, कोई बारात जा रही है, कहीं म्यूज़िक चल रहा है, तो मेरे पाँव नहीं रुकते थे। और यही सब होते होते जब मैं छः वर्ष की थी, तो एक बार लखनऊ में मुझे सौभाग्य से नुमाइश होती थी केसर बाग, वहाँ पे प्रस्तुति अपने नृत्य की करने का मौका मिला, और मुझे पता नहीं था कि ऑडियंस में बहुत संगीत के विद्वान लोग बैठे हुए हैं। लच्छू महाराज जी, जो कि उस समय नृत्य के सम्राट थे, जिन्होंने अनेकों फिल्मों में कोरियोग्राफी की, कथक की, मुगले आज़म, पाकीज़ा, बहुत बहुत फिल्मों में उन्होंने बहुत सुंदर काम किया, वो ऑडियंस में थे और उन्होंने मेरा डांस देखा और मेरी माँ को बुला के कहा कि इसको आप शास्त्रीय नृत्य की तालीम दें, कथक नृत्य सिखाएं। लच्छू महाराज जी ने मुझे कथक नृत्य का परिचय वहाँ से दिया और कहा कि आप आगरा में रहते हैं, मैं लखनऊ हूँ तो दूर पड़ता है, आप दिल्ली जाके मेरे भतीजे से, बिरजू महाराज जी से, इसको नृत्य की शिक्षा दिलवाएं, मेरी माँ से कहा। तो मैं मम्मी के साथ, बहुत छोटी थी, मम्मी के साथ कभी लखनऊ कभी दिल्ली इस तरह से आती जाती रहती थी, लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि मैं पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ, ग्रेजुएशन एटलीस्ट हो, और उसके बाद डांस की तरफ ध्यान दूँ। इसी बीच मेरे ग्रेजुएशन करके मैंने बिरजू महाराज जी के पास संगीत नाटक एकेडमी के स्कॉलरशिप से कथक नृत्य की शिक्षा आरंभ की। स्पेशलाइजेशन का कोर्स था कथक केंद्र दिल्ली से। वो करते करते मुझे सौभाग्य मिला विदेशों में परफॉर्म करने का, और महाराज जी के द्वारा कोरियोग्राफ की हुई अनेकों रचनाओं में करने का। सोलो परफॉर्मेंसेस तो मैं करती थी, तो बहुत मेहनत से, बहुत लगन से मैंने जब वहाँ शुरू किया। ये जर्नी बहुत आसान नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए ये नया स्टाइल था। महाराज जी की जो शैली थी ये लखनऊ घराना है, और मैं जो शिक्षा आगरा में ले रही थी वो जयपुर घराना था। कथक में अनेक घराने हैं, जयपुर लखनऊ खास उसका एक अंग है। तो जयपुर से लखनऊ की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन जो था एक चैलेंज था, एंड आई वॉज़ द जूनियर मोस्ट इन माई क्लास। सीनियर्स को फॉलो करना ही एक चैलेंज होता था, और उसमें अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, दैट वॉज़ the most difficult period in my life. मैं रोज़ 6 महीने तक रोती रही, अपने रूम में वापस हॉस्टल में आती थी, और मैं भगवान से कहती थी ये कथक इतना मुश्किल कैसे है, इतना हार्ड कैसे है। लेकिन शायद मेरा दृढ़ निश्चय था, विल पावर थी, और मैंने अपने आप से कमिट किया हुआ था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, मेहनत करनी है, और मैंने जब ये रास्ता चुना है तो मुझे इसमें बेस्ट अपना देना है।
और कुछ ऐसा हुआ सौभाग्य से कि मेरी पहचान बनी और ऐसी पहचान बनी कि महाराज जी ने एक दिन क्लास में बुला के सारे बाकी के स्टूडेंट्स को कहा कि काजल बहुत मेहनत करती है, उसमें पोटेंशियल है। और एक एक जब उन्होंने मेरे लिए एग्जांपल रखा तो मुझे और ज़्यादा वो एनकरेजमेंट मिला। और मैं 4 बजे उठ के सुबह हॉस्टल में एक वॉल होती थी मेरे रूम के बाहर और एक बहुत हल्की सी धीमी सी लाइट रोशनी उस पर पड़ती थी, तो मैं अपने शेडो को देख के अपने मूवमेंट्स का करेक्शन करती थी। जब मैं सीनियर्स के पीछे खड़ी होती थी कि वो उनकी लाइनिंग क्या जा रही है, हाथ किधर है, चेहरा किधर है, कितना हाथ ऊपर है, कहाँ नज़र है, वो सब मैं शेडो पे थोड़ा सा आउटलाइंस अपनी करेक्ट करती थी। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई महाराज जी के संरक्षण में। और जैसे मैंने कहा कि विदेशों में जाने का मौका मिला, बहुत भारत महोत्सव कई देशों में मैंने किए। इसी बीच दूरदर्शन पे मुझे टॉप ग्रेड श्रेणी का भी मैंने अपना ऑडिशन दिया और टॉप ग्रेड हासिल किया। और सारी चीज़ों के बीच जब मैंने अपना वो स्थान बनाया कि जहाँ लगता था कि अब कुछ कमाल करके दिखाना है, उस स्टेज पे मेरी शादी हुई। और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान से जाना पड़ा। मैं इंग्लैंड में सेटल हुई जाके अपने हस्बैंड के साथ, वहाँ मेरे 2 बेटे हैं। और इसी दौरान कुछ वक्त ऐसा आया कि मैं जिस मकसद से मैं उस माहौल में गई थी, जो उस समय मेरी लाइफ का एम था, बच्चों की परवरिश, अपने हस्बैंड का, फैमिली का लुक आफ्टर करना, उस दौरान मैं कथक नृत्य की प्रस्तुति या टीचिंग नहीं कर सकी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं हाफ हार्टेडली करूं या किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज़ करूं अपने नृत्य के साथ। और मैंने कुछ सालों तक, लगभग 12-13 साल तक, ना कोई परफॉर्मेंस दी ना मैंने सिखाया। जब मैंने वापस से शुरू किया 2004 में, तो मुझे बहुत चैलेंजेस थे, बच्चे छोटे थे और हिंदुस्तान का वो माहौल नहीं था। मैंने 14 साल तक किसी इंस्ट्रूमेंट को ना सुना ना देखा, ऐसे माहौल में मैं रही 14 साल। और एक संयोग ऐसा बना कि जब लंदन में एक मीटिंग अटेंड करने गई थी इंपीरियल सोसाइटी ऑफ टीचर्स ऑफ डांसिंग के बैनर में एज अ क्लासिकल डांस टीचर, वहाँ मुझे तबला सुनने का मौका मिला। तो मैंने अपना लंच टाइम, जब सबको हम लोगों को प्रोवाइड हुआ, ड्यूरिंग माई लंच टाइम एवरीबडी वॉज लाइक हैविंग सैंडविचेज एंड सूप्स एंड ऑल, आई आस्क्ड दैट तबला प्लेयर, कैन यू प्लीज़ नॉट गो फॉर योर लंच, एंड मैं वहाँ पे खड़ी हो गई करने के लिए। ताजुब कर रहे थे कि लंच टाइम पे ये क्यों प्रैक्टिस कर रही है। मैंने कहा मैंने 14 साल के बाद तबला सुना है और मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मैंने दोबारा से वहाँ से शुरू किया और वही आइडेंटिटी के साथ, वही लेवल पे मेरा कंपटीशन मेरे अपने साथ है, मेरा स्तर मेरे अपने साथ है, मैं अपने आप को चुनौती देना चाहती हूँ। जिस लेवल पर मैं हिंदुस्तान से गई थी, सौभाग्य से वो टाइम मेरा पीक का टाइम था, और क्योंकि टॉप ग्रेड था, दूरदर्शन से दुनिया भर में फेस्टिवल्स कर रहे थे, बहुत अहम